सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार, हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन के मेजर सब्जेक्ट सारे खत्म हो चुके हैं। अब हो सकता है कि शायद एक छोटी मोटी एक दो सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बाकी हो। तो अब हम लोगों के लिए बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिरी के 40 से 45 दिन हम लोग जो हमारी नीट की एग्जामिनेशन होने वाली है मई के महीने में, उसके लिए हम लोग डेडिकेटेड वे में यूज़ करें। किस तरीके से हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए। एक होता है कि अगर हम लोगों को एक अच्छी स्टार्ट मिलती है ना, तो फिर हम लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर पाते हैं। कहाँ से प्रिपरेशन करनी है वो मैं बताऊंगा, प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये दूंगा डिटेल वे में। नीचे आप लोगों को एक वेबसाइट पे मैंने लिख दिया है और उसकी लिंक मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक बुरी बात ये हुई है कि बहुत सारे एग्जामिनेशन पहले हुआ करते थे, तो अगर आपका एक एग्जामिनेशन खराब भी चला जाता था तो आप लोग फिर दूसरे एग्जामिनेशन पे अच्छा करके एक अच्छी कॉलेज, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज में एटलीस्ट एडमिशन ले लेते थे। बट अब क्या हो गया है कि सारे एग्जामिनेशन को हटा के एक नीट की एग्जामिनेशन ली जाती है, इस वजह से इस एग्जामिनेशन पे आप कोई भी गलतियां नहीं कर सकते हो। तो भाई, सबसे पहले एक बार फुल सिलेबस को देखो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो जाए, फुल सिलेबस को एक बार देखो। अभी अभी आपने क्लास 12th का एग्जामिनेशन दिया है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें आपके दिमाग में होंगी। पहले क्या करो कि एक बार फुल सिलेबस को आप लोग देखो। फुल सिलेबस देखने के बाद उनमें से जो चैप्टर्स आपको आते हैं, हो सकता है कि जैसे सपोज मैं बता रहा हूं कि फिजिक्स की चैप्टर, फिजिक्स के चैप्टर को, सारे चैप्टर को एक बारी करके देखो। उसमें आपको जैसे कि नंबर ए बी सी डी ई इस टाइप से चैप्टर दी गई होगी। अब इन चैप्टर में से आपको कौन कौन से चैप्टर आते हैं, उन चैप्टर को आप मार्क करो, ऐसे ऐसे करके मार्क करो। सपोज आपको ए बी और ई चैप्टर आती है, इसे आपने मार्क किया, और इसमें आपको कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि सबसे अच्छा आता है। सपोज अगर आपको ई सबसे अच्छे से आता है तो ई को सबसे ऊपर, उसके बाद अगर बी आता है तो बी, उसके बाद ए, इस तरीके से लिखो। तो सेम चीज आपको केमिस्ट्री के साथ भी करना है और सेम चीज आप लोगों को बायोलॉजी के साथ भी करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करनी है कि वेटेज देखनी है। वेटेज में यहां पे भी आप लोगों को बताने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है जहां पे कौन से चैप्टर से 2019 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 2018 में कितने क्वेश्चंस आए थे, 17 और 16 में कितने क्वेश्चंस आए थे वो दिए हैं। तो वो हो गए आपकी वेटेज। उसके बाद आपको वेटेज देखनी है, कौन कौन से चैप्टर आपको आते हैं आपने वो देख लिया, कौन कौन से चैप्टर एग्जामिनेशन पे आते हैं आपने वो देख लिया। अब ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो कि आपको आते हैं और एग्जामिनेशन पे भी आते हैं, दोनों मैच कर रहा है, उसको एक अलग तरफ, एक अलग पेज में आप लोगों को लिख लेना है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर उस चैप्टर पे अगर आप लोग थोड़ा सा भी एफर्ट डालोगे तो उससे आप लोगों के एग्जामिनेशन पे क्वेश्चन बन सकती है। वो हो गया। उसके बाद फिर आप लोगों को स्टार्ट प्रिपरेशन करना है। अब यार, एक मैं छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि नीट की प्रिपरेशन भी नहीं स्टार्ट किए होंगे या फिर बोर्ड की प्रिपरेशन खास करके कर रहे होंगे। आपके पास आखिरी कितने दिन बाकी रह गए, 40 से 45 दिन बाकी रह गए। अब शायद मुझे 10-15 बच्चों ने ये बात कही होगी कि भैया अभी से मुझे प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना चाहिए, मतलब कोई क्रैश कोर्स के बारे में बता दो। तो आप लोग बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते होंगे जो कि मैथ सेक्शन से भी है, जिनकी मैथ्स होगी, उन्हें यह बात पता होगा कि मैं नीट के ऊपर बहुत बहुत ही कम वीडियो बनाता हूं। पहले मैं नीट के ऊपर वीडियो बनाता था, अब मैं नीट के ऊपर वीडियो नहीं बनाता हूं। तो क्रैश कोर्स की अगर बात आई यार, तो मुझे इंटरनेट पर जब मैं सर्च कर रहा था आप लोगों के लिए, मैं जब रिसर्च कर रहा था कि कौन सी आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहेगी, तो मुझे एक प्रिप ऑनलाइन की एक मोस्ट वॉन्टेड सीरीज दिखी, जिसमें 40-45 दिन में आप लोगों को तैयारी कराया जाएगा, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो बायोलॉजी की हो जाए। अभी मैं कोई बायस होके नहीं कह रहा हूँ कि यही आप लोगों को लेना है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी दिखी आप लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये पेड है, मतलब आपको पैसे देके इस कोर्स के लिए इनरोल होना पड़ता है और फिर क्लासेस आप लोगों के लिए स्टार्ट होती है, और सारा वीडियो का आप लोगों को एक्सेस मिल जाता है। मैं आप लोगों को हो सके तो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा सामने, अगर पॉसिबल हो तो। और फिर अब यही है कि 40-45 दिन बाकी है और एक ही एग्जामिनेशन ऐसा है जो कि आप लोगों को देना है, और ये एग्जामिनेशन आपकी अच्छी जानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर कहीं ना कहीं आपका ये टारगेट है कि मुझे एक गवर्नमेंट, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है और अपने माता पिता का पैसे को बचाना है, नोट्स वगैरह भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, एक माइंड मैप प्रोवाइड किया जाता है। मैं लिंक वैसे दे रहा हूँ कि कोर्स की लिंक मैं दे दूंगा और एप्लीकेशन की भी लिंक दे दूंगा, तो एक बार आप लोग जाके रिव्यू कर लेना कि क्या आपको वो चीज़ें लेनी है या फिर नहीं लेनी। फिर हमारा नीट का पेपर वो कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कितने क्वेश्चंस हो गए, 180 क्वेश्चंस, और 180 क्वेश्चंस में आपके 720 मार्क्स की एग्जामिनेशन होती है। 180 क्वेश्चंस का को करने के लिए आप लोगों को मिलते हैं 180 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आप लोगों को मिलता है एक मिनट का वक्त। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, द आंसर इज नो। तो जो बच्चे खास करके बोर्ड की प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं, तो इसमें आप लोगों को एक दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिमाग में रखनी है वो ये है कि फॉर्मूला आप लोगों के टिप पे होनी चाहिए, दूसरी बात ये कि की पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में रखने चाहिए।
अब जिन बच्चों के पास फॉर्मूला बुक नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, वहां से जाके आप लोग उस फॉर्मूला बुक को डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में सबसे पहले आती है ऑप्टिक्स, जिससे 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, सेमीकंडक्टर से 2 या 3 क्वेश्चन, रोटेशन से 3 या 4 क्वेश्चन, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स 4 से 5 क्वेश्चन, करेंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 या 3 क्वेश्चन, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट से 2 क्वेश्चन, मोशन इन 1D से 2 या 3 क्वेश्चन, मॉडर्न फिजिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन और EMI प्लस AC से 2 या 3 क्वेश्चन। एक चीज इसमें आप लोगों को देख के समझ में आ गई होगी कि क्लास 12th की सेकेंड पार्ट, चाहे वो रे ऑप्टिक्स हो जाए, वेब ऑप्टिक्स हो जाए, न्यूक्लियर फिजिक्स हो जाए, एटॉमिक फिजिक्स हो जाए, मॉडर्न फिजिक्स हो जाए, ये टोटल मिला के जो सेकेंड पार्ट आती है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। इनसे 10 क्वेश्चन हमारे 12th के सेकेंड पार्ट के बुक से ही आती है, सिर्फ हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूल कॉन्सेप्ट से कभी 1 क्वेश्चन, कभी 2 क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी सेम केस देखा जा रहा है कि कभी 2 क्वेश्चन पूछ देते हैं, कभी 1 क्वेश्चन पूछते हैं, फिक्स नहीं है। पीरियोडिक टेबल बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दो चैप्टर पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, इस दोनों चैप्टर को आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है। अगर आपकी पीरियोडिक टेबल अच्छी है तो केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों की थोड़ी अच्छी हो जाएगी, अगर आपकी केमिकल बॉन्डिंग अच्छी है तो आपकी पी ब्लॉक में दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपकी पी ब्लॉक केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक टेबल अच्छी है तो आपको फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिक्कत नहीं आएगा, और अगर आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई दिक्कत नहीं आएगी तो आपका डी और एफ ब्लॉक, ये वाला जो आता है सेक्शन डी और एफ ब्लॉक, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग काफी अच्छे ढंग से आप लोगों को तैयारी करनी है। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से यहाँ मैंने 3 लिखा है, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो कोई फिक्स नहीं है यार, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल एंड ईथर से हमारा 2 से 3 क्वेश्चन, GOC ये भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर को भी मार्क कर लो, GOC इससे 3 क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन, उसके बाद सॉलिड स्टेट से 1 या 2 क्वेश्चन। अब बच्चे, कुछ बच्चे को दिमाग में ऐसा आ रहा है कि CBSE में भैया सॉलिड स्टेट को हटा दिया गया है, तो क्या नीट में सॉलिड स्टेट आ रही है कि नहीं आ रही है? नीट के सिलेबस में सॉलिड स्टेट है, तो ये पढ़ना है आप लोगों को। और फिजिक्स में आप लोगों का कम्युनिकेशन सिस्टम इसको हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट से 1 या 2 क्वेश्चन, पी ब्लॉक से 3 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर से 3 से 4 क्वेश्चन, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन। तो अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, मैंने 9 टॉपिक को लिया, सिर्फ 9 टॉपिक, और अगर EMI प्लस AC को अगर जोड़ दो तो 10 टॉपिक या 11, 27 से 28 टॉपिक में आपको करने कितने हैं, अभी मैंने बताया आप लोगों को 10 से 11 टॉपिक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट 10 से 11 टॉपिक, 10 से 11 टॉपिक करने के बाद आपके कितने क्वेश्चन बन जाए, 30 क्वेश्चंस बन गए आउट ऑफ 45। बढ़ते हैं आगे, और सेम फिर यहाँ मैंने केमिस्ट्री के लिए बताया, केमिस्ट्री पे भी देख सकते हो कि आप लोगों को 13-14 टॉपिक करने के बाद आपके 30 क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं बायोलॉजी के ऊपर। अब बायोलॉजी में यार बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने कुछ तो मार्क किए हैं, कुछ के लिए जगह नहीं थी, और कितना मैं यहाँ पे नाम लिखता, इसलिए मैंने पहले भी मैंने बोला था कि एक ब्लॉग मैंने बनाया जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वेटेज को जाके अच्छे से देखो, ताकि आप लोगों की जो ये वाली स्टेप है इस स्टेप में कोई भी दिक्कत ना आए। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, 5 से 6 क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस 5 से 6 क्वेश्चन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट 4 से 5 क्वेश्चन, मॉर्फोलॉजी 4 क्वेश्चन, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इससे 3 या 4 क्वेश्चन, एनिमल किंगडम से 3 या 4 क्वेश्चन, सेल से 3 या 4 क्वेश्चन, इन्वायरमेंटल इशू से 3 या 4 क्वेश्चन, फोटोसिंथेसिस से 3 या 4 क्वेश्चन, बायोटेक्नोलॉजी कंप्लीट बायोटेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन, इकोसिस्टम प्लस बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 4 क्वेश्चन, इन टोटल अगर देखते हो तो 45 क्वेश्चन हो जाती है। अब जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी से खास करके बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये बात तो 100% पता होगा कि स्टेट टू स्टेट फिर हम लोगों के लिए वैरी करती है। जिस स्टेट पे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ डाउन हो जाती है, और जिस स्टेट में थोड़ी कम गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कंपटीशन बहुत आई है वहाँ कट ऑफ हमारा हाई हो जाता है। लेकिन ये चीज़ आप दिमाग में रख के चल सकते हो कि 500 का मुझे मार्क तो क्रॉस करना ही करना है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि अगर OBC से या फिर SC ST में अगर कहूँ या फिर EWS, तो उस जगह पर थोड़ी कट ऑफ डाउन हो जाती है, या फिर अगर किसी स्टेट की अगर कट ऑफ कम होती है तो फिर कम मार्क्स से भी आप लोगों को कॉलेज मिल जाती है, लेकिन मिनिमम 500 मार्क्स का आप लोगों को टारगेट लेके चलना। तो मैंने आप यहाँ मैंने वैसे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप लोगों को ये हॉट फेवरेट टॉपिक्स रही है नीट की, जिसमें क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो यार आखिरी एडवाइस मेरे तरफ से क्या होगी,
एडवाइस तो ये होगी कि यार अगर आपने पहले प्रिपरेशन कर रखा है फिर तो आप लोगों को कोई भी कहीं पे ऑनलाइन कोर्स ये सब लेने की सच में जरूरत नहीं है। आप लोगों को खुद से भी रिवीजन करना चाहिए, मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना चाहिए और समय को यूटिलाइज करना चाहिए। लेकिन जिन बच्चों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हुई है मेरा ये सजेशन होगा प्लीज ऐसा मत सोचो कि कहीं पर आपके पैसे लग रहे हैं। मैं एज ए स्टूडेंट बता रहा हूँ आपको और एज ए क्या बता एक गाइड बता रहा हूँ, फिर बड़े भैया मान सकते हो, मैं एज ए बड़े भैया आपको बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा नहीं कि ये मेरे कोई रिलेटिव है या फिर कोई और भी हो सकता है कि आप कहीं पर बाहर जाकर ही प्रिपरेशन करो, कहीं पर भी प्रिपरेशन करो लेकिन समय को यूटिलाइज करो। और ये समय फिर यार वापस तो आने वाला नहीं है ना हमारा, सबसे बड़ी बात ये कि ये समय हमारा वापस नहीं आने वाला है। और दूसरी बात ये कि एक ही एग्जामिनेशन टेस्ट कर लेगी आपकी कि आपकी क्या प्रिपरेशन, तो इस वजह से वो एग्जामिनेशन को आप लोग हल्के में नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये कोर्स की लिंक मैं वैसे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाओ जाके देख लो और फिर जो मैंने बताया था किस तरीके से आप लोग को प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, सिलेबस देखो, मार्क करो कौन से चैप्टर आपको आ रहे हैं, वेटेज देखो, उसके बाद फिर कौन सी चैप्टर आपको आ रही है और कौन सी चैप्टर की वेटेज आई है उस चीज़ को देखो, उस हिसाब से एक चार्ट बनाओ और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। रही बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो फिजिक्स की, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की तीनों की दे दी। रही बात फॉर्मूला बुक की तो फिजिक्स की फॉर्मूला बुक और केमिस्ट्री की फॉर्मूला बुक दोनों मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहां से जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी यार मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छी जाएगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोगों को, जो चीज़ें मैंने बताई जो इन्फॉर्मेशन बताई है वो मैंने काफ़ी मेहनत करके मैंने आप लोगों के लिए निकाला है। तब तक के लिए लेता हूँ और विदा, मिलेंगे अगले सप्ताह और एक एजुकेशन वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।